मेच्योरिटी तक आती हैं, वो आगे रिप्रोड्यूस करती हैं, बाकी मेच्योरिटी तक नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लिमिटिंग बैरियर्स मौजूद हैं जो इसकी हाई नंबर की जिस तरह से उसको कंट्रोल करते हैं, हाई नंबर पॉपुलेशन उनकी नहीं होती है, जिसमें फूड का प्रॉब्लम आता है, प्लेस टू लिव रहने का प्रॉब्लम आता है, प्रीडेटर्स होते हैं, डिजीज होती है, तो पॉपुलेशन एक लिमिट में रहती है, एक चेक के अंदर रहती है। फिर भी अगर जिस तरह से पॉपुलेशन का तादाद जैसे बढ़ता है तो एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट होती है, वो कॉम्पिटिशन विद इन द मेम्बर्स ऑफ सेम स्पीशीज आर अमंग डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकता है, या इन्वायरमेंटल स्ट्रगल भी हो सकती है, उसमें जो सर्वाइव वो करेंगे जिनके पास यकीनन एक खास किस्म की एडेप्टेशन हो, उसी इन्वायरमेंट में रहने के लिए खास किस्म की अगर उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस होंगी, वही उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। जैसे अगर एन्वायरमेंट एक लैंड का था, वहां पे वाटर आ गया, वाटर आ गया, तो अब एडेप्टेशन क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि वो जैसे स्विम कर सकें, उनकी फीडिंग नेचर है वो भी चेंज होगी तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज वो मर जाएंगे। अगर वो स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होती है तो वो देन जो मर जाएगी। तो इसी तरह से एक लफ्ज़ है वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब है चेंज। वो वेरिएशन या चेंज क्यों आई, बिकॉज एनवायरनमेंट, जैसे आपने देखा कि जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हुई, काफी सारी जैसे कंडीशन चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर जो चेंजेस आए, इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन वेर इन देयर एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द नेचर। जैसे रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, कंपटीशन भी हो गई, अब रिसोर्सेज पे अप्रोच उन्हीं की होगी, वही यूटिलाइज करेंगे, वही इस्तेमाल करेंगे जिनके पास वेरिएशन होगी। नो टू ऑफ स्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स आर एग्जैक्टली अलाइक। जैसे आपको बताए वेरिएशन तो एक नेचुरल फिनोमिना, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, तो उनके अंदर वेरिएशन तो होती ही होती है, जैसे वेरिएशन तो होगी ही होगी। जैसे नो टू ऑफ स्प्रिंग आर एग्जैक्टली सेम, जैसे आज भी जितने भी इवन ह्यूमन बीइंग मौजूद हैं, इनके पेरेंट्स देखें इस जैसे नहीं थे, उनके पेरेंट्स इस जैसे नहीं थे। वेरिएशन तो एक वेरी कॉमन फिनोमिना है, तो होती रहती है। दीज माइनर वेरिएशन आर वन ऑफ द इनेट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन तो आती ही रहती है, ये नई बात नहीं है। पर अगर एनवायरमेंटल कंडीशन से कॉम्पिटिशन ऐसी हुई है जिसकी वजह से यकीनन कोई जैसे चेंज आई है, वो उस रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए बाकी मेंबर से ज्यादा, जैसे ये सेम स्पीशीज हैं पर उनके अंदर यकीनन लिटिल बिट थोड़ी बहुत वेरिएशन जरूर होगी, ठीक है। जिस तरह से विद इन सेम स्पीशीज है उसमें भी वेरिएशन हो सकती है, जैसे आप अगर गोट का एग्जाम्पल ले, स्पीशीज तो एक है पर सारी गोट्स है एक जैसी नहीं है। इसी तरह से जो है लाइंस है उनके हवाले से, टाइगर्स के हवाले से, तो ये भी एक दूसरे से हम कहेंगे डिफरेंट है, और विद इन जैसे सेम स्पीशीज कोई भी मेंबर एक जैसा नहीं है, थोड़ी बहुत वेरिएशन, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, वेरिएशन तो होती रहती है। तो डार्विन की अकॉर्डिंगली जो ये वेरिएशन आई है, तो आगे जो है एवोल्यूशन का मेन काज या रीजन है ये वेरिएशन है। जैसे अकॉर्डिंग टू एक साइंटिस्ट ने एक जैसे पॉसिबिलिटी बताई, पॉसिबिलिटी कि ये इनके कॉमन एंसेस्टर है, उसके बाद जो जेनेटिक वेरिएशन हुई है तो उसी में से इतने आज जो हम डाइवर्स टाइप के जो लाइक ये सब कैट फैमिली है, जिसके अंदर ये कैट भी है, टाइगर भी है, लायन भी है, चीता भी है, ये सब जो है किसी जमाने में उनके एक सेम एंसेस्टर थे। ये क्यों है, बिकॉज इनके अंदर जो वेरिएशन आई है, जेनेटिक वेरिएशन होती गई, और अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना था, तो इस तरह से जो चेंजेस होती गई तो उसके रिजल्ट में एक जो है नई स्पीशीज जो बन सकती है। तो डार्विन का जो लाइक जो मेन पॉइंट था वो वेरिएशंस थी, कि वेरिएशंस होंगी तो वही वेरिएशन आगे नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होती जाएंगी या ट्रांसफर होती जाएंगी, जिसकी हेडिंग है वेरिएशन एंड हेरिडिटी। हेडिंग है वेरिएशंस एंड हेरिडिटी, ऑर्गेनिजम्स विद वेरिएशन विद बेटर इक्विप देम टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। जैसे अभी हमने नोट किया था एक ऐसा एनवायरनमेंट जो अगर उसमें कोई चेंज है, कॉम्पिटिशन है, रिसोर्सेज उसी को मिलेंगे जिसको जो है जिसके अंदर सर्टेन वेरिएशन होंगी, विल बी फेवर्ड ओवर द अदर दैट आर लेस अडेप्टेड। रिसोर्सेज उन्हीं को मिलेंगे जो एनवायरनमेंट के हवाले से उनके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, जिनके अंदर उस एनवायरनमेंट के हवाले से उनकी अडेप्टेशन कम है, उनको वो रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, वो उसको कोई फेवर नहीं मिलेगी, वहीं से वो एलिमिनेट हो जाएंगे। इन दिस वे नेचर विल सिलेक्ट
नेचर विल सिलेक्ट सच ऑर्गेनिज्म विद फ्यूचर प्रोपेगेशन। फ्यूचर प्रोपेगेशन की मीनिंग होती है कि वो कैरेक्टर आगे नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते जाएंगे, कहेंगे कि हाँ इस स्पीशीज को इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली रहना चाहिए, इसी की जो आगे कंटिन्यूटी होनी चाहिए जनरेशन की। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेरिएशन नहीं आई थी वो सब उससे एलिमिनेट हो जाएंगे, वहां से रिमूव हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे या रिमूव हो जाएंगे। एक छोटी इलस्ट्रेशन है, उसके जरिए आप सीख सकते हैं कि वेरिएशंस क्या होती हैं। जैसे आपको ये जो है रेड्स आपको नजर आ रहे हैं जिनके ये सॉयल या जमीन है, और उसमें आप जैसे देखें एक ऐसे रेड है जिनका वाइट कलर है, और एक ऐसे रेड्स हैं जिनका जो कलर है वो बिल्कुल सॉयल की तरह है, ब्राउन कलर है। तो आपको पता है कि जो प्रीडेटर्स होते हैं उड़ते रहते हैं, प्रीडेटर जो इसकी ईगल या हॉक है जो उड़ रहा है। अब देखें इस एनवायरनमेंट के हवाले से कौन से जो है रेड्स हैं ज्यादा जिनको ये फेवर कर रहा है एनवायरनमेंट। यकीनन जो ब्राउन कलर होगा ये नजर नहीं आएंगे, एक्सपोज नहीं होंगे। जो वाइट कलर वाले होंगे ये इस हॉक की नजर फौरन इसी वाइट जैसे कलर के बाइस पे आएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट दो ही कंडीशन है, या तो इसके अंदर कोई चेंज आए कि इनका कलर जो है चेंज आए, कलर ऐसा हो जाए कि जिसके अंदर वो छुप जाए सॉयल के जरिए, सॉयल के अकॉर्डिंगली जो कलर जो जिसमें चेंज नहीं आएगी, तो जाहिर है उसको जो है रिपीटेडली बार बार जिस तरह से ईगल आएगा, प्रीडेटर आएगा, वो खा जाएगा। तो इस एनवायरनमेंट के हवाले से जो ये वाइट कलर वाले जो माइस है वो लेस फिट है, ये फिट नहीं है इस एनवायरनमेंट के हवाले से। और जो मोर फिट कौन है, मोर फिट वो है जिनका कलर जैसे इस सॉयल जैसा है। तो ये वेरिएशन, ये कंडीशन है कि भाई वेरिएशन होगी तो ही जो आगे उसकी कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन होगी। अदरवाइज ये होगा कि कई ऐसे प्रीडेटर्स आएंगे जो इसको खा जाएंगे, अल्टीमेटली एक दिन ऐसा होगा कि उसका नस्ल भी इस जगह से खत्म हो जाता है। तो इसके लिए क्या होना है, नेचर, ये नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल फोर्सेज ऐसी होती है। जैसे इसमें ऐसे नहीं है कि भाई ये जैसे कलर चेंज ये कह रहा है कि आप कलर क्यों नहीं चेंज करते, खुद ब खुद इसको जो ऐसी कंडीशन मिलेंगी। देन अल्टीमेटली या तो इसमें एडेप्टेशंस नहीं आती हैं, वेरिएशंस नहीं आती हैं, तो देन क्या होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल हमने ऐसे यहाँ पे ट्राई किया है कि आपको समझाने की कि इस तरह से जैसे वेरिएशंस होंगी तो जैसे वो सर्वाइवल होगा, अदरवाइज उस एनवायरनमेंट से वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जिस तरह से एक बीटल्स हैं जैसे ग्रीन कलर की बीटल्स हैं, उसके अंदर वेरिएशन जैसे जो स्टेम होता है ना, जो ट्री की ट्रंक होते हैं, उनका कलर जैसे ब्राउन होता है, तो अगर वेरिएशन इस तरह की ब्राउन कलर की आती है तो ये सर्वाइव करेंगे, अगर ब्राउन कलर की वेरिएशन नहीं आती है तो ये ग्रीन कलर क्या होगा, इस बर्ड को ये जो बिल्कुल जैसे एक्सपोज होगा आसानी से उसको नजर आ सकता है, देन इसको जो खा जाएगा। रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट ये होगी कि ग्रीन कलर की जो बीटल्स होंगी इस एनवायरनमेंट से एलिमिनेट हो जाएंगी, इसको कोई फेवर नहीं मिलेगी। फेवर किसको मिलेगी, एनवायरनमेंट या नेचर किसको सिलेक्ट करेगी या फेवर देगी, वो जिसका ब्राउन कलर होगा। और इसी तरह से जो ये वेरिएशन आई है तो आगे वेरिएशन वो क्या हो कि नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते जाएंगे, ट्रांसफर होते जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो अल्टीमेटली इस एनवायरनमेंट के अंदर जस्ट ओनली एंड ओनली जो है ब्राउन कलर की जो बीटल्स होगी वो ही सर्वाइव कर सकती है। आपको ये डायग्राम जैसे डार्विनिज्म की लग रही है या लिमार्किज्म की लग रही है, आपको क्या इसमें नजर आता है, ये डार्विनिज्म है या लिमार्किज्म है? ये डार्विनिज्म है। जैसे ये ऐसी जिराफ जिसकी नेक जो लॉन्ग है, फोर लिम्स बड़ी है, वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की एबल है। ऐसी जिराफ जिनकी नेक छोटी है, फोर लिम्स छोटी है, तो वो इस एनवायरनमेंट से एलिमिनेट हो जाएगी। अल्टीमेटली जब खाना ही इसका नहीं होगा, नहीं मिलेगा, तो ये मर जाएगी। ये जो है डार्विनिज्म है, दिस इज कॉल्ड डार्विनिज्म, ठीक है ना। जो रिसोर्सेज उन्हीं को मिलेंगे जिनके पास वेरिएशंस होंगे, जिनके पास ऐसी एडेप्टेशंस होंगे अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अदरवाइज दे विल बी एलिमिनेटेड, वरना वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे चौथी पॉइंट पे आते हैं, नेचुरल सिलेक्शन जो इसकी कोर ऑफ द थ्योरी की कोर और मेन पॉइंट है, मेन हेडिंग है थ्योरी का, जो नाम भी जिस तरह से कोर ऑफ द डार्विन्स थ्योरी इज नेचुरल सिलेक्शन। जैसे दो लफ्ज वेरी पॉपुलर है, जैसे एक नेचुरल दूसरा आर्टिफिशियल,
दोनों जिस तरह से हम कॉमन लाइफ के अंदर जैसे इन दोनों को इस्तेमाल करते रहते हैं, ज्यूलरी जैसे गोल्डन गोल्ड ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल ज्यूलरी है, जैसे कहते हैं ना आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल, एक इंटेलिजेंस आपकी इंटेलिजेंस है दिमाग की है और दूसरी मशीन की इंटेलिजेंस है, मशीन की इंटेलिजेंस है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपकी जो जहन दिमाग इस्तेमाल होता है पर्सन का, ये जो आपकी विजडम है ये आपकी नॉलेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसी तरह से नेचुरल सिलेक्शन आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो डार्विन जो है अक्सर जो है इस तरह से उसके जहन में, बिकॉज उसकी जो ट्रेवलिंग हुई थी ना 5 ईयर्स, तो उसकी ऑब्जर्वेशन भी थी प्लस में वो देखता भी था कि भाई के नेचर के अंदर कौन कौन से फिनामिना हो रहे हैं, ह्यूमन बींग की क्या क्या प्रैक्टिस रही है, इतने डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स और एनिमल्स क्यों हुए हैं, तो उसके लिए वो सोचता रहता था कि वाह ऐसा क्यों। तो इस तरह से डार्विन जो इंस्पायर था वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से था। उसकी जो कंट्रास्ट का जो टर्म इसने दिया नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन किससे कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे डार्विन ने तो नेचुरल सिलेक्शन कहा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है फॉर एग्जाम्पल ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। क्या आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, जो एनिमल ब्रीडर्स होते हैं, जो एनिमल ब्रीडर्स जो क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं डिफरेंट एनिमल्स की, कि हमें ये इस तरह का डॉग चाहिए, इस तरह का डॉग चाहिए, पिजिन के हवाले से हॉर्सेस के हवाले से जो शौक रखते हैं कि भाई हमें ये इस तरह का जो एक एनिमल मिलना चाहिए होना चाहिए, तो फिर क्या करते हैं जो आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, ये ह्यूमन बींग की इंटरफेरेंस की वजह से आज जो हमें इतने कुत्तों के जो नस्ल देख रहे हैं, डॉग्स के जो नस्ल देख रहे हैं, कुत्तों के जो नस्ल देख रहे हैं, वो सब इस क्रॉस ब्रीडिंग ह्यूमन की जो है एक्टिविटी की वजह से। अगर ये ह्यूमन बींग जो है ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन ना करता तो जस्ट वन टाइप की कोई एनिमल होते, पर जिस तरह से क्रॉस ब्रीडिंग करते गए और आज जो है इतने जो है हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ डॉग्स जो मौजूद हैं, ये कोई अलग स्पीशीज नहीं है, ये अलग स्पीशीज नहीं है, ये ह्यूमन बींग की फ्यू हंड्रेड ईयर्स पीछे आप चले जाए तो उन चंद सौ सालों के अंदर जो इतनी क्रॉस ब्रीडिंग करा के इतने डिफरेंट जो है डॉग्स की जैसे वैरायटी हो गई है, हम तस्वर ही नहीं कर सकते कि ये डॉग कोई इसका एंसेस्टर जो है ग्रे वुल्फ है, जितने भी डॉग्स हैं उन सब के जो है एंसेस्टर जो है ये ग्रे वुल्फ है, ये कॉमन एंसेस्टर है, हम ये तस्वर ही नहीं कर सकते कि इस डॉग का जो कोई एंसेस्टर ये ग्रे वुल्फ है, इस डॉग का कोई एंसेस्टर जो है ग्रे वुल्फ है, बिकॉज क्रॉस ब्रीडिंग कराते गए जब तक उनको कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलती है तब तक जो इतनी वेरियस टाइप के जो है ब्रीड्स ऐसे बनते गए, ठीक है ना। हमारे इलाकों में इधर जो छोटे मोटे जो रोलू कुत्ते होते हैं जैसे जो है उनको कोई लोला टुकर कोई दे तो ठीक है, वरना ये जो ऐसे कुत्ते जो होते हैं जो बहुत ही महंगे होते हैं, आपको बताया इनकी खिदमत वगैरह जो है बड़े लोग करते हैं और ये कोई आम नहीं है, ठीक है ना, जैसे गलियों में जैसे घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सस्ते होते रोड भी घूमते, ये बड़ी गाड़ियों में चढ़ के घूमते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल के साथ, ठीक है। हाँ नहीं आर्टिफिशियल दौरान आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल खट्ठ होना। इसी तरह से एक और एग्जांपल प्लांट ब्रीडर, जैसे आज हम जो कार्न या मकई देख रहे हैं, कार्न या जो मकई होती है जिसके अंदर जो आपको पता है कि बहुत ज्यादा सीड्स होते हैं एक स्टॉक पे ऐसे डेवलप होते हैं, ये भी एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन का नतीजा है। इनके पेरेंट्स एंसेस्टर इस तरह के थे, जब तक उनको कोई डिजायर्ड कैरेक्टर ये था कि भाई हमें जो बहुत ज्यादा अनाज के दाने चाहिए एक ही प्लांट के अंदर, तो वो नहीं मिला तो इसकी जो क्रॉस ब्रीडिंग कराते गए आज जिस तरह से हमें कार्न ये मिली है, तो ये भी एक एग्रीकल्चर या क्रॉप के हवाले से उन्होंने एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ये जितने भी जो गोभियां हैं, गोभियां बंद गोभी पन गोभी फूल गोभी सब है, वो मस्टर्ड वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट से जो है क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए जो है इतनी सारी जो है ये कैबेज है या कॉलीफ्लावर है, खेल है, कोलरबी है, ये कॉलीफ्लावर ब्रोकली ये सब जो है इस ओरिजिनल मस्टर्ड प्लांट से ही सब बने हैं। तो डार्विन ने देखा कि अगर ह्यूमन बींग की जैसे चॉइस की वजह से सिलेक्शन की वजह से आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से इतने डिफरेंट टाइप के प्लांट या एनिमल बन सकते हैं नेचर के अंदर, तो कहते उसने सोचा कि हजारों सालों से लाइफ मौजूद है तो नेचर ने यकीनन ऐसे सेलेक्ट किए होंगे जिसकी वजह से
इतने डाइवर्स टाइप के जो है ये प्लांट्स या एनिमल्स बने हैं, डाइवर्स टाइप के प्लांट्स या एनिमल्स बने हैं। सो इन प्रैक्टिस ऑफ स्प्रिंग विद डिजायरेबल ट्रेट, डिजायरेबल ट्रेट की मीनिंग है जब तक वो कैरेक्टर उनको नहीं मिलता है तो। आपको पता है आजकल जो सिंध के अंदर जैसे ऐसे आम भी आ गए हैं जिनमें मिठास बहुत ही कम है, दूसरे लफ्जों में कहेंगे शुगर फ्री, तस्वर ही हम नहीं कर सकते मैंगो हो और शुगर फ्री हो कैसे पॉसिबल है। पर ऐसे भी जैसे लाइक जो बना लिए हैं, ऐसे भी मैंगो क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए टंडो जाम के करीब बड़े फार्म मौजूद है, ठीक है, जो शुगर फ्री आप तो तस्वर ही नहीं। तो ये सब जो है इन प्रैक्टिस ऑफ ऑफ स्प्रिंग विद डिजायरेबल ट्रेट, यानी उन्होंने सोचा था कि भाई हमें ऐसे मैंगो लेने चाहिए, हासिल करने चाहिए जिसके अंदर शुगर की कॉन्टेंट्स वैल्यू बहुत ही कम हो, तो बना लिया उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग, सिलेक्टेड ई जनरेशन फॉर ब्रीडिंग पर्पस वाइल ऑफ स्प्रिंग लेकिंग सच ट्रेट आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिप्रोडक्शन। तो ऐसे आम जिनकी जो है टेस्ट बहुत ज्यादा मीठी थी उनको रिमूव करते गए, अलग अलग करते गए, जो लेस कम मीठे थे उनका जो हाइब्रिड बनाते गए क्रॉस ब्रीडिंग कराते गए, आखिर में जैसे एक ऐसे आम शक्ल में आम अंदर जो है अंदर क्या होगा, कौन सा फ्रूट होगा टेस्ट जिसका जो स्वीट नहीं है ऐसा बना दिया। तो इसी तरह से ब्रीडर कंटिन्यू सेलेक्टिंग पर्टिकुलर डायरेक्शन जनरेशन आफ्टर जनरेशन अंटिल द डिजायर्ड रिजल्ट्स आर अचीव्ड। तो जैसे डिजायर्ड रिजल्ट क्या थी उनकी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ऐसा आम होना चाहिए जिसमें टेस्ट शुगर की जो वो वैल्यू जो कम हो, तो इसी तरह से जब तक वो डिजायर्ड ट्रेट नहीं मिलता है तो उसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराते जाते अल्टीमेटली जो है इसको टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि जैसे आप जैसे कहेंगे हमें ये कैरेक्टर चाहिए दूसरे दिन वो कैरेक्टर मिले, इसको जो है बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, सिलेक्शन होती है उसमें किन का सर्वाइवल भी होता है नहीं भी होता है, फिर जाके आगे कोई एक फाइनल जो डिजायर्ड ट्रेट मिलता है, इसको बहुत ही बड़ी मेहनत टाइम और रिजल्ट का इंतजार भी करना पड़ता है, फिर जाके जो है एक न्यू कैरेक्टर या ट्रेट जो वो चाह रहे होते हैं वही मिलता है। सो डार्विन ने भी इसी से आइडिया लिया, अकॉर्डिंग टू डार्विन एनवायरमेंट प्लेज द रोल ऑफ ब्रीडर। जैसे ह्यूमन बींग मैन की इंटरफेरेंस की वजह से जो सिलेक्टेड स्पीशीज है उनकी ब्रीडिंग हो रही थी, तो ब्रीडर का रोल किसने प्ले किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनवायरमेंट प्लेज द रोल ऑफ द ब्रीडर, जैसे ह्यूमन बींग जैसे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करा रहा है ब्रीडर का रोल है, तो एनवायरमेंट का रोल जो है ब्रीडर का है इन नेचुरल सिलेक्शन विच जनरेट्स पॉपुलेशन हुज मेंबर्स आर बेटर एडेप्टेड आर मोस्ट फिट टू द एनवायरमेंट। ऐसी जो जनरेशन उसको पैदा करनी है जो मोस्ट फिट टू द एनवायरमेंट, वो डिजायरेबल ट्रेड जब तक नहीं मिलता है तब तक जैसे एनवायरमेंट एक रोल प्ले कर रहा है, ब्रीडर का रोल प्ले कर रहा है, एंड द स्पीशीज दैट लैक द एबिलिटी टू कोप विद द एनवायरमेंटल चेंजेस विल श्रिंक। और ऐसी स्पीशीज जो इस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली फिट नहीं हो रही है उसको देन क्या करेंगे, श्रिंक, वो श्रिंक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वहां से वो निकल जाएगी, उस एनवायरमेंट में रहने की एबल नहीं है, इवन इन नंबर एंड इवन बिकम एक्सटेंट, और आगे जो है देन जो है एक्सटेंट भी हो सकती है। जैसे कई ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जैसे बहुत ही सख्त ट्रेनिंग किस्म की, वो उस एनवायरमेंट में जो एडजस्ट करेंगे तो वो रहेंगे, अदरवाइज बाकी वो उनको किक आउट करेंगे, ठीक है आप जाएं आप हमारे काम के नहीं, ठीक है, सिंपली ये होता है, अदरवाइज इट विल बी एलिमिनेटेड, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वो मेंबर अगर एनवायरमेंट के अकाल, बिकॉज रोल प्ले कौन कर रहा है ब्रीडर का, आर्टिफिशियल ब्रीडर का, एनवायरमेंट कर रहा है, तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर वो एडेप्टेड होगा, बेटर एडेप्टेड होगा या मोस्ट फिट होगा तो वो ही सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज वो एलिमिनेट हो जाएगा या एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उस एनवायरमेंट से। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक जिराफ का जैसे एग्जांपल लिया कि नेचुरल सिलेक्शन है, एग्जांपल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, जिराफ वही ऐसी आपको नेक रखनी है और ऐसी फोर लिंब रखनी है, कबूल है तो आप इधर आए, अदरवाइज एलिमिनेट हो जाए, अदरवाइज ये फिट नहीं है, एलिमिनेट हो जाए, निकल जाए यहाँ। एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है तो आप मेहनत करें, पढ़ें, अदरवाइज आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, आप मेडिकल कॉलेजेस से एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से मेडिकल कॉलेजेस से एलिमिनेट हो जाएंगे। ये भी नेचुरल सिलेक्शन, जैसे देखें थोड़ा सा अपने जैसे पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रांग करें, फर्क महसूस करें, जिस तरह से ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट चेंज हुआ और इन्वायरमेंट इससे रिक्वेस्ट करा, नेचुरल सिलेक्शन इससे रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई आप अपना कद बढ़ाएं और जैसे लिम्स है इनको भी बढ़ाएं तो ही आपको ये रिसोर्सेज मिलेंगे, आप ही इस एनवायरनमेंट में रहने के एबल होंगे, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हालत ये होगी, ठीक है, ये अदरवाइज ये होगा, अदरवाइज रिसोर्सेज किनको मिलेंगे, जिनकी जो है
अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट उसके अंदर वो फीचर्स आएंगे अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। तो ये नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन, नेचुरल सिलेक्शन इस तरह से, ये भी नेचुरल सिलेक्शन है, ये भी नेचुरल सिलेक्शन। मेडिकल में सिलेक्शन, नेक्स्ट टाइम दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो अल्टीमेटली तो डार्विन ने यही कहा कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किस तरह से होती है। Darwin's view of natural selection is that most evolution occurs in small adaptive states, यानी evolution proceeds gradually, ऐसे नहीं कि एकदम environment change हुआ और दूसरे दिन ये सारी features आ जाए, proceeds very slowly, gradually, small states के अंदर जो होती है इस तरह से जो एक नई species evolve होती है। हम एक example लेंगे book के अंदर, जैसे एक तस्वीर भी मौजूद है, एक जैसे birds हैं जिन्हें कहते हैं finches कहते हैं, फिंचेस उन बर्ड्स का नेम है, फिंचेस, ऐसी कई जिसकी फिंचेस आपको नजर आ रही हैं, जिनकी बीक्स के अंदर लिटिल बिट फर्क है, ठीक है। इसी तरह की एक तस्वीर है हमारे बुक के अंदर, जिस तरह से ये एक बर्ड है फिंचेस का नेम है, ये ऐसी फिंचेस कहाँ थी, एक गैलेपागो आइलैंड थे, वहां पे उसे डार्विन की जो ऑब्जर्वेशन थी उसके अंदर, जैसे उसने देखा कि बीक के अंदर जो फिंचेस, बजाहिर बाकी फिंच या वो जो बर्ड है चिड़िया सा, वो तो सब एक जैसे सेम सिमिलर है, पर फर्क उन सब के अंदर कहाँ पे था, फर्क था बीक के अंदर। तो एक ऐसी बीक उसको नजर आई, तो उसने देखा कि ये तो इनकी डाइट बर्ड्स एंड फ्रूट है, तो उनके लिए ऐसी बीक होनी चाहिए। गर्ब्स खाने वाली, गर्ब्स कहते हैं लार्वा, लार्वा खाने के लिए इस तरह की जो बीक होनी चाहिए। टूल यूजिंग फिंच, जिस तरह से बड़े नट्स को क्रैक करके अंदर सीड ओपन करके खाएं, इस तरह के लिए उनको एक बड़ी इस तरह की बीक चाहिए। और इंसेक्ट ईटिंग जो अगर फिंच है उसके अंदर इस तरह की बीक होनी चाहिए। अगर इस तरह की बीक उनमें जैसे डेवलप नहीं होती है, ऐसी एडेप्टेशन नहीं आती है, खाना वहां पे इंसेक्ट है और कहेंगे बीक हमारी इस तरह की है सीड खाने वाली, तो रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट ये एलिमिनेट हो जाएगी। लीव्स खाने वाली, अगर खाना उस सराउंडिंग के अंदर इंसेक्ट है और उसके पास बीक ऐसी है कि मैं बीक नहीं चेंज, मुझे बीक नहीं चेंज करनी है, नहीं चेंज करनी है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा उसी एनवायरनमेंट से। इसने कहा कि ये सब नेचुरल सिलेक्शन है, इसने कहा कि ये फिनोमेना जो है सब नेचुरल सिलेक्शन की है। तो स्पीशिएशन एक टर्म है जो बुक में नहीं है, हम सीखेंगे। आखिरी जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है ना, जो इससे हम कहते हैं स्पीशिएशन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड एज स्पीशिएशन, नए प्लांट बनने का अमल या नए एनिमल बनने का अमल जो होता है उसे स्पीशिएशन कहते हैं, ठीक है ना, उसे स्पीशिएशन कहते हैं। अ न्यू काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इज क्रिएटेड, फिनोमेना इज कॉल्ड एज प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पीशिएशन। कैसे ये हुआ है, स्पीशिएशन अकर्स अ ग्रुप विद इन स्पीशीज सेपरेट फ्रॉम अदर मेंबर्स, जैसे जिराफ तो सब कॉमन थी एक जैसी थी, पर एक जैसे ग्रुप हुआ वो उनसे अलग हुआ, सेपरेट हुआ, डेवलप्स इनटू यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। उसने कौन सी कैरेक्टर डेवलप की, जैसे नेक उसकी स्ट्रेच हो गई, फोर लिंब स्ट्रेच हो गई, ये उसने यूनिक कैरेक्टर उसने डेवलप किया। द डिमांड्स ऑफ द डिफरेंट एनवायरनमेंट आर कैरेक्टर, ये क्यों उसने ऐसे नेक को बड़ा किया, वो इस एनवायरनमेंट की डिमांड थी कि भाई ऐसे आप नेक को बढ़ाएंगे या लेग्स को साइज में इंक्रीज करेंगे तो ही जो है इसमें सर्वाइव करने की एबिलिटी होगी, अदरवाइज नहीं। The characters of the members of the new group will differentiate from new species or ancestor होंगे, उनसे बिल्कुल एक दूसरे से different हो जाएंगे। वरना जैसे आपने देखा जिराफ तो सब सेम ही नजर आ रही थी, पर एक जैसे ग्रुप ऐसा अलग हो गया जिसकी नेक भी बड़ी हो गई, फोर लिम्ब भी बड़ी हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ancestor से ये बिल्कुल totally different हो गया, एक new character आ गया, this is called as speciation। इसे हम क्या कहेंगे, speciation कहेंगे। Speciation is the formation of न्यू स्पीशीज आर प्लांट, दिस इज कॉल्ड स्पीशीज। जो एग्जाम्पल तस्वीर के अंदर, हमारे बुक के अंदर जो तस्वीर मौजूद है उसके अंदर एग्जाम्पल है, बर्ड्स हैं जो गैलेपागोस आइलैंड, गैलेपागोस आइलैंड पैसिफिक साउथ अमेरिका के साइड पे थे, तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स बी के अंदर एडेप्टेशन आई है। कैसी एडेप्टेशन आई है, कुछ ऐसी फिंचेज हैं जिनके अंदर लार्ज ब्लंट बीक है, लार्ज ब्लंट बीक है तो वो नट्स को क्रैक कर सकते हैं, उसके अंदर सीड खा सकते हैं। एक ऐसी फिंचेज है जिसके अंदर लॉन्ग थिन बीक है, लॉन्ग थिन बीक है तो वो नेक्टर जैसे सक कर सकते हैं, जैसे
हमने एक एग्जांपल जैसे हमिंग बर्ड का जैसे लिया था, हमिंग बर्ड के पास अगर बीक अगर जो है थिक हो छोटी हो तो उसके अंदर कैसे नेक्टर सक करता, नहीं। इसी तरह से जो है फिंचेस के अंदर ये एडेप्टेशन हुई, एक मीडियम साइज की जो बीक थी वो इंसेक्ट ईटिंग के लिए यूज होती है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये सारे बर्ड्स जो आइसोलेट हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। अलग होने के बाद क्या हुआ, अब ये यूनिक स्पीशीज बन गए। वरना क्या था, वरना इन बी जितनी भी जैसे फिंचेस हैं इन सब के कॉमन एंसेस्टर थे, इन सब के जो है कॉमन एंसेस्टर थे। ये इस तरह की फिंचेस हैं जैसे फीमेल मीडियम ग्राउंड फिंच ऐसी फिंचेस थी, बट उनके अंदर जो फर्क या डिफरेंस जो जस्ट ओनली बीक के अंदर था, क्यों था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। ऐसी कई जो है उसने डार्विन ने ऑब्जर्व की कि बजायर बाकी सब सेम शक्ल ही है पर फर्क कहाँ था, ओनली एंड ओनली बीक में था। इसका मतलब है कि ये बीक ऐसी क्यों डेवलप हुई है। तो इवन जिस तरह से इसकी जैसे बाद में एक कॉमन एंसेस्टर तक भी पहुंच गया कि भाई ये इतनी डाइवर्स टाइप की या डिफरेंट टाइप की जो है बीक्स क्यों है किसी जमाने में उनकी जो, बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं कि जिस तरह से ऑब्जेक्शन क्या है, डार्विन की थ्योरी पे कौन कौन से ऑब्जेक्शन थे, ठीक है ना। तो इससे इसके अलावा एक और पॉइंट आप नोट करेंगे, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की जो हेडिंग है बुक के अंदर जरा एक देखेंगे तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बाद एक कुरानिक वर्शन का जिक्र होगा, मौजूद है उसके अंदर एक सूरा या आया का जिक्र होगा। तो एक और भी जगह है पॉइंट, शायद मैंने आपको पहले ही बताया था या नहीं बताया था कि डोगर सीरीज है या इल्मी सीरीज है, कारवान सीरीज है, उनके अंदर जैसे MCQ बुक्स है उनके अंदर इनका जिक्र है कि कौन सी आया जो है वो एवोल्यूशन के प्रोसेस को रिफ्लेक्ट जैसे कर रही है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को रिफ्लेक्ट कर रही है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को रिफ्लेक्ट कर रही है। फर्स्ट ईयर के अंदर भी एक जो फर्स्ट ईयर का बुक है उसके अंदर भी चंद एक है। तो हमारे जैसे इस प्रोविंस के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है पर आप इनको जैसे थोड़ा नोट करेंगे, पता नहीं सवाल आ भी जाए ना भी आ जाए पर ये मौजूद है, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे, ऑब्जेक्शन पे आते हैं। जिस तरह से पहला डार्विन की थ्योरी का ऑब्जेक्शन, आप थोड़ा सा एसटीपी बुक अपना ओपन करेंगे, बस चंद एक थोड़ी सी पॉइंट है, मेन पॉइंट है। डार्विन कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल वेरिएशन। डार्विन को जैसे जाहिर जो थ्योरी कोई भी देता है तो जाहिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए। आप जैसे मुझ जैसे सवाल पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये आपने ये जो पॉइंट दी है तो इसका आप थोड़ा हमें थोड़ा एक्सप्लेन करें समझाएं, तो इस तरह से तो इसको नॉलेज नहीं थी कि कौन सी वेरिएशन हेरिटेबल है और कौन सी वेरिएशन है नॉन हेरिटेबल है, इसके दरमियान ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। दूसरी पॉइंट थी कि इसने जस्ट माइनर रोल ऑफ माइनर वेरिएशन उसका जो है जिक्र किया, हालांकि जो एवोल्यूशन होती है वो म्यूटेशन की वजह से होती है। चेंज इन जेनेटिक मटेरियल जब तक नहीं होता है तो एवोल्यूशन नहीं होती। इसका जो सारा फोकस था वो माइनर वेरिएशन पे था, सारा फोकस है, हाँ वेरिएशन आती है पर एक्चुअली जो अगर जब तक जेनेटिक मटेरियल में चेंज नहीं होती है तो आगे जो है न्यू कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होते। नंबर थ्री, ही कुड नॉट काज टेल द कॉज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्यों होता है, रीजन क्या है, इसने रीजन नहीं बताया कि वाई क्यों वेरिएशन। इसी तरह से चौथी जो पॉइंट थी, अक्सर जो देखे ना आपने जो थ्योरी की पॉइंट्स पढ़ी है, नंबर थ्री पॉइंट जो थी वेरिएशन एंड हेरिडिटी, तो मेन फोकस है ही इस पे जो वेरिएशन चेंजेस, तो अल्टीमेटली स्पीशीज में चेंज तब आई है जब वेरिएशन हुई है, तो वेरिएशन पे ज्यादा। ही हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल वेरिएशन। फेवरेबल वेरिएशन की ये बात करता है, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट वो वेरिएशन बेहतर है, नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो सकती है, पर कुछ ऐसी वेरिएशन होती है जिनका कोई रोल नहीं होता है। एक फेवरेबल वेरिएशन होती है, एक अनफेवरेबल वेरिएशन होती है, एक न्यूट्रल वेरिएशन होती है। तो न्यूट्रल वेरिएशन के बारे में जैसे इसने कोई भी अकाउंट नहीं दिया, कोई भी नॉलेज नहीं दी। पांचवी पॉइंट, ही कैन नॉट अकाउंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे एनिमल्स के अंदर काफी सारे वेस्टिजियल ऑर्गन मौजूद हैं कि भाई ये क्यों होते हैं, जब अगर आप कहते हैं कि न्यू कैरेक्टर ये तो जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन भी पड़े हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों पड़े हैं, इसका रीजन क्या है, कुड नॉट ही हैड नो इन्फॉर्मेशन। इसी तरह से वेरिएशन के बाद नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करती है, तो इसकी थ्योरी का नेम क्या था, इसकी थ्योरी का नेम था नेचुरल सिलेक्शन।
पर ओरिजिनली जैसे प्रिजर्वेशन रादर देन द ओरिजिन ऑफ फेवरेबल वेरिएशन, तो इस तरह से जो है नेचुरल सिलेक्शन है की पोजीशन रेवोल्यूशन, उसके अकॉर्डिंगली तो की पोजीशन या मेन रोल वो कहता है कि नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन तब ऑपरेट करती है जब वेरिएशन होती है, वेरिएशन आएंगी, हेरिडिटी होगी, तो देन उसके बाद जो है नेचुरल सिलेक्शन का रोल आता है। तो ये तो ओरिजिनली तो वेरिएशन की बात हुई, पर ये मेन फोकस दे रहा था नेचुरल सिलेक्शन। आखिरी इसका ऑब्जेक्शन था कि अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की तो बात करता है, जैसे नेचुरल सिलेक्शन आर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मोस्ट फिट जो ऑर्गेनिज्म जो हम पढ़ रहे थे वो इस एनवायरमेंट में रह सकता है, पर डज नॉट एक्सप्लेन, ये इसके पास कोई नॉलेज नहीं थी कि अराइवल ऑफ द फिटेस्ट ये कैसे हुआ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को इसने बताया था, फिटेस्ट मोस्ट फिट जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सर्वाइव कर सकता है, बट अराइवल ऑफ द फिटेस्ट ये कैसे हुआ। तो इन रीजन जो लाइक ये ऐसे क्वेश्चन थे उस वक्त जो उनका जवाब नहीं दे पाया, इस वजह से जो ये कहते हैं कि सारे उनके ऑब्जेक्शन थे। आखिरी एक थ्योरी है, दो तीन मिनट आपके लेंगे आज थोड़े, म्यूटेशन की थ्योरी है, बहुत ही आसान सी थ्योरी है, डी वरीज की थ्योरी। जैसे चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन, और ये हेरिटेबल होता है, हेरिटेबल की मीनिंग होती है जो चेंजेस आती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होती है। जैसे आपने इंटर क्लास के अंदर चैप्टर 6 के अंदर पढ़ा है काफी सारी म्यूटेशन के टाइप वगैरह, चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। जैसे एक आप एग्जाम्पल लें सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया क्यों हुई है, जाहिर है एक म्यूटेशन तो हुई है। इसी तरह से जस्ट एक जैसे बेस के अंदर फर्क होता है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस उसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क होता है। तो इतनी छोटी सी म्यूटेशन बट एक हेरिटेबल वे के अंदर एक इनहेरिटरी पैटर्न फैशन के तहत जो इनहेरिट हो रही है। तो म्यूटेशंस आर द सडन हेरिटेबल चेंजेस जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ओरिजिनली चेंज आती है। बिकॉज डी वरीज जिसने ये म्यूटेशन की थ्योरी दी थी, आपको बताया कि ये जो उस वक्त काम कर रहा था मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करने में, दो और भी पर्सन थे जैसे तिशर में एक था, एक पर्सन था कार्ल कोरन था, प्लस में ये जो डी वरीज भी था, तो इसने एक म्यूटेशन की थ्योरी जो है वो दे दी। इस तरह से थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, एंड इसने जो कहा कि एवोल्यूशन अगर हुई है तो उसका जो रीजन जो म्यूटेशन हो सकता है, और इसने कहा कि न्यू रेसेस आर स्पीशीज ओरिजिनेट तब होते हैं जब डिसकंटिन्यूअसली एंड नॉन ग्रेजुअल, म्यूटेशन को कहा डिसकंटिन्यूअस और नॉन ग्रेजुअल। इससे पहले जो एवोल्यूशन की सीरीज वो बता रहे थे वो इस तरह से बता रहे थे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, वक्त गुजरने के साथ साथ चेंजेस आती हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्रेजुअल, और ये क्या है नॉन ग्रेजुअल है, डिसकंटिन्यूअस, और वो क्या थी कंटिन्यूअस थी। इसका मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस या नॉन ग्रेजुअल का मतलब होता है सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, तो उसे हम कहते हैं जैसे ये म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन इज अ डिसकंटिन्यूअसली एंड नॉन ग्रेजुअल चेंज होती है, नॉन ग्रेजुअल चेंज उसे म्यूटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से आगे कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस आती हैं और हेरिटेबल होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट हो सकते हैं। हालांकि जो डार्विन ने भी एक पॉइंट दी थी वेरिएशन एंड हेरिडिटी, ना तो उसके पास वेरिएशन की काज का कोई पता था कि क्यों होती है और हेरिडिटी कैसे ये ट्रांसफर होती है, सारी जो है ऐसी वेरिएशन तो है इनहेरिट तो नहीं होती है, इनहेरिट हेरिटेबल जो चेंज होती है वो